Hello class 8 students, today I will be starting with mathematics and third chapter of mathematics. आपका जो third chapter mathematics में and fourth chapter mathematics में है वो काफ़ी relate करता हुआ है and very much important topic जो आपको higher standard में काम आएगा and not only in higher standard, अगर आप आगे जाके किसी competitive exam के लिए भी जाते हो ना तो अभी भी आपको ये चीज़ काम में आता है, that is square and क्यूब्स. तो ये बहुत ही बेसिक है, इसके लिए आपका थर्ड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं. बहुत ही बेसिक है जो जिसके ऊपर रिलेटेड आपको आज होमवर्क भी दिया जाएगा. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो टेक्स्ट बुक है, आपको जो आपने जो बुक परचेस किया है उसमें चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 35 उसमें आपको बताया है स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर. सबसे पहली बात तो हम लोग स्क्वेयर में आपको बता देते हैं क्या होता है. स्टूडेंट्स, स्क्वेयर का मतलब होता है जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर बोला जाए उसको सेम टेबल से मल्टीप्लाई, मतलब सेम नंबर ऑफ उससे मल्टीप्लिकेशन करना होता है. जैसे कि अगर 3 का स्क्वायर निकालना है हमें तो 3 × 3 यानी कि 3 × 3 = 9. अगर आपको 2 का स्क्वायर बोला है तो 2 × 2 = 4. 1 का स्क्वायर बोला है तो 1 × 1 = 1. 4 का स्क्वायर बोला है तो 4 × 4 = 16. 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25. 6 का स्क्वायर 6 × 6 = 36. 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49. 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64. 9 का स्क्वायर 9 × 9 = 81. 10 का स्क्वायर 10 × 10 = 100. तो वैसे ही स्टूडेंट्स, मिनिमम 50 नंबर्स तक के स्क्वायर है ना आपको आपके मुंह पर याद होने चाहिए. ये इतना इम्पॉर्टेंट है एंड ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है. आपको नंबर्स को इजीली स्क्वायर करना आना चाहिए, आप मल्टीप्लिकेशन करते ना बैठो. तो इसके लिए आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो आपको पेज नंबर 35 पर दिया हुआ है. 1 × 20 का स्क्वायर दिया है. आपको क्या करना है, 1 × 20 का स्क्वायर कॉपी डाउन करना है, याद करना है, साथ में 21 से लेकर 50 तक का स्क्वायर लिख कर याद करना है. एंड जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तब आप उसको मल्टीप्लीकेशन करके करो. जैसे 21 × 1 = 21, तो नहीं 21 × 21, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे. 50 × 50, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे. तो जो भी आपका नंबर होगा आपको सारी सब लिख लेना है एंड देन आपको उसको याद करना है. तो इस तरीके से स्क्वायर निकाला जाता है. अब ये चैप्टर में सिर्फ आपको स्क्वायर के बारे में बताया है, इसके लिए आज हम लोग सिर्फ स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे. आगे का जो चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ेंगे. अभी ये जो सिर्फ आज का जो आपको ये जो वीडियो गया है वो सिर्फ बेसिक बताया है कि स्क्वायर निकाला कैसे जाता है एंड आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं याद करने के लिए. जिसका इमेज आप शेयर कर रही हैं, मतलब स्क्रीन पे आपके शेयर होगा इमेज, आपको उसमें से इमेज में से देखना है एंड आपके टेक्स्ट बुक पर भी दिया हुआ है. जैसे कि पेज नंबर 35 पे प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के प्रॉपर्टीज़ को आपको याद करना है. और याद करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर के प्रॉपर्टीज़ में आपको सिर्फ 0.1, 2, 3, 4, 0.1 से लेकर 4 तक के पॉइंट्स आपको याद करना है, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है. जैसे कि अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर है कि कभी भी जिस भी नंबर के एंड में यानी कि यूनिट के प्लेस पे, वंस के प्लेस पे 2 नंबर आ जाए या 3 नंबर आ जाए या 7 आए या 8 आए, तो ये सारे नंबर्स जो भी एंड में आते हैं उसमें कभी भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होता. अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो फाइनल आंसर होता है ना, जैसे कि 6 का स्क्वायर है 36, तो 36 को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मानते हैं. जैसे 35, तो 35 किसी के डबल मल्टीप्लीकेशन में आपको 35 एज अ आंसर नहीं आता, तो 35 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 7 × 7 = 49, तो 49 जो नंबर है इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, 64 परफेक्ट स्क्वायर है. किसका परफेक्ट स्क्वायर है स्टूडेंट्स, 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है. तो यहीं पर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में इन्फॉर्मेशन दिया है, नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8, जिसके भी लास्ट में नंबर में 2, 3 या 7 या 8 आता हो तो उसको वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होता. तो वैसे करके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया है जो आपको पढ़कर लिखना है. सिर्फ स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स आप लोग लिखोगे, देन आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 48 पे स्टूडेंट्स आपको कुछ क्विक रिकॉल करके दिया हुआ है. क्विक रिकॉल में आप लोग स्टार्टिंग के 6 पॉइंट्स याद करना है आपको, उसमें भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है रिलेटेड टू स्क्वायर.
तो ये आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन, पहले आप लोग स्क्वायर के बारे में नॉलेज ले लो, बेसिक इन्फॉर्मेशन स्क्वायर का क्लियर कर लो, एंड देन हम लोग इसके ऊपर एक्सरसाइज एंड इसके सम स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 3 एक्सरसाइज है जिसमें भी बहुत ज़्यादा सम्स आपको नहीं दिए हैं, तो पहले आप लोग, लेकिन उसके लिए आपको स्क्वायर आपको मुंह पर याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पहले आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लो, स्क्वायर्स याद कर लो, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व द सम्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो क्लास।